पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुख्यात माफिया और मुख्तार अंसारी के करीबी संजीव जीवा महेश्वरी की लखनऊ में दंदहारी गोली मारकर हत्या कर दी गई। और इस हत्याकांड में हैरान करने वाली बात यह है कि हमलावरों ने वारदात को कोर्ट परिसर में अंजाम दिया, जिसके लिए वो बाकायदा वकील की ड्रेस पहनकर अदालत में पहुंचे थे। ये रिपोर्ट देखिए। कौन था संजीव महेश्वरी जीवा? पश्चिमी यूपी में अतीक अहमद जैसा कुख्यात था। 1997 में बीजेपी नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या के बाद सुर्खियों में आया। मुन्ना बजरंगी गैंग में हुआ था शामिल, मुख्तार अंसारी का रहा खास। बीजेपी विधायक कृष्णानंद रॉय के मर्डर में दिल्ली की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने जीवा समेत 7 आरोपियों को बरी किया था। जीवा को पुलिस ने AK-47 और 1300 कारतूसों के साथ शामली में पकड़ा था। जीवा 2017 में कारोबारी अमित दीक्षित उर्फ गोल्डी हत्याकांड में आरोपी बना, हुई थी उम्र कैद। जीवा फिलहाल लखनऊ की जेल में बंद था। 2021 में जीवा की पत्नी पाल ने चीफ जस्टिस को पत्र लिखकर जान को खतरा की आशंका जताई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुख्यात अपराधी और मुख्तार अंसारी के करीबी संजीव जीवा महेश्वरी की लखनऊ में दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्याकांड में हैरान कर देने वाली बात यह है कि हमलावरों ने वारदात को कोर्ट परिसर में अंजाम दिया, जिसके लिए वो बाकायदा वकील की ड्रेस पहनकर अदालत पहुंचे थे। मौके पे जहां कोर्ट के बाहर मौजूद है, वहां यहां के लॉयर्स हैं, वो भी बैठे हुए हैं और उनसे बातचीत करने के पश्चात हम घटनास्थल का पूरा अवलोकन करने के बाद आगे आपको स्पष्ट जानकारी देंगे। संजीव जीवा जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का गैंगस्टर है, वही आज पेशी पे आया था, और क्या अब उसकी जान चली गई है अस्पताल में? देखिए, अभी डॉक्टर्स ने इस बारे में हमें सूचित नहीं किया है। अभी तक यहाँ से उन्हें गोली लगने के पश्चात उन्हें वहाँ रवाना किया गया था, और उनके साथ हमें पुलिस के अधिकारी कुछ गए हैं, अस्पताल में मौजूद हैं। तक हम पूरी स्थिति का विश्लेषण ना कर लें, हमारे तरफ से कोई भी टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। अभी हम आपको स्पष्ट जानकारी और पूरी जानकारी देंगे। अभी आज कोर्ट परिसर में गोली चली है और एक मुलजिम जो पेशी पर आया था उसको गोली लगी है, आसपास के एक पुलिस कर्मचारी को भी गोली लगी है, परंतु अधिवक्ताओं से वार्ता कर रहे हैं और उनको उपचार हेतु भेज रहे हैं। अभी हम बताने की स्थिति में नहीं है, हम अस्पताल के उससे बात नहीं हो पाई। आपको बता दें कि वकील की ड्रेस पहनकर आए कातिलों ने कचहरी में घुसकर वारदात को अंजाम दिया। फायरिंग में एक बच्ची और महिला समेत 4 लोगों की गोली लगने की बात सामने आई। घटना के बाद एक शूटर को गिरफ्तार कर लिया गया है। संजीव जीवा बीजेपी नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या का आरोपी था। इसके अलावा वो कई दूसरे मामलों में अभियुक्त भी था। SC/ST कोर्ट में मामला संख्या 93/16 है, जिसकी पेशी में वो आए थे, उनके साथ फोर्स भी आई थी। ये अपनी पेशी का जो कोई फोर्स है, अपने टर्न का इंतजार कर रही थी कोर्ट चैम्बर के बाहर, और जब उनका टर्न आया तो जैसे ही वो चैम्बर के अंदर घुसना चाह रहे थे, उसी समय पीछे से गोलीबारी हुई है, फायरिंग की गई है। तीन भाई आईडी नीचे, भाई नीचे करो आईडी। संजीव जीवा है, उनको फिर तत्काल टीम मेंबर द्वारा उनको हॉस्पिटल भेजा गया था, जहाँ से अभी हमें सूचना प्राप्त हुई कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। इसके अलावा जो अन इंजर्ड है, उसमें हमारे 2 सिपाहियों को भी चोट आई है, कमलेश और इसमें लाल मोहम्मद 2 सिपाही है जिनको चोट लगी है, बट वो खतरे से बाहर है। एक 1.5 साल की बच्ची है, उससे भी गोली लगने की सूचना है, उसका इलाजरत है, वो उसके हेल्थ का स्टेटस जैसे भी होगा अपडेट देंगे। उनकी मदर और उनके फादर वो भी आए थे किसी जमानत के सिलसिले में, तो मदर को ऐसा कुछ नहीं, उंगली में थोड़ी चोट है, बट वो सेफ है। फिलहाल जो है, जो इंजर्ड की जानकारी है वो एक महिला, उसकी छोटी बच्ची, तो हमारे सिपाही। हमलावरों की जानकारी अभी प्राइम ऑफिसर एक बताया जा रहा है, परंतु अलग अलग जो हमारे टीम मेंबर्स हैं सबसे अभी जानकारी ली जा रही है। संजीव जीवा पश्चिमी यूपी के मुजफ्फरनगर का रहने वाला था। उसका कनेक्शन मुख्तार अंसारी के साथ था, वो मुख्तार का शूटर रहा है। इसका नाम चर्चित कृष्णानंद राय हत्याकांड में भी सामने आया था। संजीव इस वक्त यूपी के लखनऊ की जेल में बंद था। अपराध की दुनिया में संजीव के कदम रखने की बात जाए तो उसने सबसे पहले 90 के दशक में अपना वर्चस्व बनाना शुरू किया था। इसके बाद उसने आम लोगों के साथ पुलिस और प्रशासन में भी अपना आतंक फैलाना शुरू कर दिया। क्या लखनऊ में सीसीटीवी में नहीं डेली मिलती है? घटना है आपको,
पुलिस कस्टडी में लोगों की जान जाना, पुलिस सिक्योरिटी के बीच में पुलिस की जान जाना, कचहरी में जान जाना, थाने में जान जाना, कोर्ट में जान जाना, या तो सरकार हो सकता है जानबूझ कर खुली छूट दी हो, जाओ जिसको जहां मारना है मार लो। ये आज के समय में ये लोकतंत्र है, ये डेमोक्रेसी है, लॉ चलेगा ऐसे, कानून चलेगा ऐसे। सवाल ये नहीं है कि कौन मर रहा है, सवाल ये है कि किस स्थान पे मारा जा रहा है। जो सबसे ज्यादा सिक्योरिटी एरिया है वहां मारा जा रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश के इतिहास में FIR और जहर खाने के लिए मुख्यमंत्री आवास पे इतने लोग कभी नहीं आए जितने इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आए। यहां आकर के जहर खाए, सोचिए, यहां पीछे सड़क पर। ये लॉ एंड ऑर्डर है, गुंडागर्दी ऑर्डर नहीं हो सकती। आपका बहुत धन्यवाद। सर, एक बड़े अधिकारी हैं जो अभी तक पुलिस में। संजीव शुरुआती जीवन में कंपाउंडर था। नौकरी करते वक्त ही उसके मन में अपराध ने जन्म ले लिया और संजीव ने दवाखाना संचालक का ही अपहरण कर लिया। इसके बाद उसके हौसले बुलंद हो गए और 90 के दशक में जीवा ने कोलकाता के एक कारोबारी की बेटी को किडनैप किया। इस वारदात को अंजाम देने के बाद उसने फिरौती के एवज में 2 करोड़ रुपए की मांग की। 2 करोड़ मांगना उस समय सबसे बड़ी बात हुआ करती थी। बता दें कि संजीव जीवा ने इसके बाद हरिद्वार के नाजिम गैंग में घुसपैठ की। इसके बाद वो सत्येंद्र बरनाला गैंग में शामिल हो गया। हालांकि अलग अलग गैंग के लिए काम करने के बाद भी संजीव को सुकून नहीं मिला और उसने अपना गैंग बनाने का फैसला कर लिया। बताया जाता है कि मुख्तार अंसारी को नए नए हथियारों का शौक था। संजीव जीवा अपने तिगड़म से इन हथियारों को जुगाड़ने में माहिर था। उसकी इस खासियत के चलते ही संजीव को मुख्तार का संरक्षण मिल गया। इसके बाद जीवा का नाम कृष्णानंद रॉय हत्याकांड में भी सामने आया। स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया।